मिनट के पानी का देखिए कमाल, पटना स्मार्ट सिटी हो गया बेहाल। गांधी मैदान सर्कल पर है, सामने जो है सामने कौन सा मौर्य होटल है, और ये पानी से स्थिति देख लीजिए, एकदम दयनीय स्थिति हो गई है। जाम लगा हुआ है, पानी जो है भरा पड़ा है, पानी किधर जाएगा पानी को अपना रास्ता नहीं पता है। और ये स्मार्ट सिटी पटना, जहाँ स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर नगर निगम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, चकाचक पटना का बोर्ड लगाता है, लेकिन चकाचक पटना आज कचाकच पटना हो गया है। सुनिए ना, नाला कर रहा है पानी का इंतजाम, लेकिन पानी जाने का नहीं दे रहा है। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड जो है पूरा तालाब बन गया है। देखिए सामने मौर्य होटल है, पटना का सबसे पॉश इलाका। देखिए, और ये गाड़ियां जो है पानी में डूब रही है, एक प्रकार से कहिए तो, क्योंकि स्थिति यह है कि 10 मिनट या एक घंटा हमको लगता है मुश्किल से बारिश हुई होगी, और स्मार्ट सिटी पटना का जान निकल गया है। स्मार्ट सिटी पटना बेहाल, और ये बेहाली इसलिए है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। मतलब ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकलने का एक भी जगह व्यवस्था नहीं है। नगर निगम का जो नाला होता है, जो नाला बना सड़क के किनारे, उस नाला में पानी जाने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिए और जब जब बारिश होता है पटना में, तब तक की ये स्थिति है। ये देखिए, देख लीजिए एक बार, ऐसी बारिश की वजह से जो है पिछला 1.5 घंटा से जाम जो है सर्कल पर लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी पटना और उसका एक दृश्य जहाँ पर आपको स्मार्टनेस के नाम पर आपको फुहड़ता नजर आएगी, स्मार्टनेस के नाम पर सिर्फ कचरा नजर आएगा। चकाचक पटना का बोर्ड लगाने से जगह जगह पटना चकाचक नहीं होगा, बल्कि नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और चकाचक पटना बनाने के लिए फटाफट काम करना पड़ेगा। लेकिन फटाफट काम करने में ये लोग बिलीव नहीं करते हैं, कि खटाखट जो है भ्रष्टाचार करने में बिलीव करते हैं, कहीं खटाखट जो है भ्रष्टाचार का ही देन है कि यहाँ पानी जो है ये जल जमा हो गया। होटल मौर्य, देखिए सोचिए कि कोई पटना के सबसे बढ़िया महंगे होटल में रहने के लिए आएगा, यहाँ पटना का मौर्य होटल लेगा और सोचेगा कि हम पटना आए हैं पहली बार, और ये दृश्य उसको देखने को मिलेगा तो पटना और बिहार की दृश्य उसके ऊपर क्या बनेगी, छवि बनेगी, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मौर्य होटल का एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर ही पानी लगा है और जाम लगा हुआ है। ये देखिए, फूंक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में, वो तो गलत था, लेकिन हाँ स्मार्ट सिटी पटना में आइए और जो है ये जल तांडव देखकर जरूर जाइए।